हेलो आस्था जी, हेलो सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका एनएलयू ओडिशा में एडमिशन हुआ, है ना। काफी कम बच्चे जाते हैं, काफी कम बच्चे मेहनत करते हैं और क्लैट का एग्जाम क्रैक करते हैं, है ना। तो आस्था जी, आपका जैसे कोलकाता में भी एडमिशन हो रहा था, तो आपने एनएलयू ओडिशा को ही क्यों चूज किया? सर, सबसे बड़ी बात तो मेरी कैंपस को लेके थी और इन टाइमिंग्स आउट टाइमिंग्स, लाइक हमें लाइब्रेरी में ज़्यादा टाइम मिल सके। सो मैंने वो सब चीज़ें चेक की और लाइक कंपैरिजन में मैंने देखा कि ओडिशा लाइक 4 to 5 ईयर से काफ़ी ग्रो कर रहा है, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, जुडिशरी में भी बच्चे जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को चेक करके मैंने ओडिशा को प्रेफरेंस दिया। मेनली आपको प्लेसमेंट की वजह से आपको लगा कि मुझे ओडिशा जाना चाहिए। यस सर। पर कोलकाता भी काफी अच्छा माना जाता है, टॉप 5 में आता है, तो वहां पर क्यों नहीं गए, क्या रीजन थे? सो मेन रीजन मेरा फूड और कैंपस को लेके ही था। ओके। तो जैसे मेरे कुछ मैंने सीनियर्स से बात की ओडिशा में, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ओडिशा सच में ग्रो कर रहा है और काफी अच्छा है, कैंपस भी काफी अच्छा है। तो उस चीजों को देख के मैंने उन सब चीजों को कंपेयर करके ओडिशा को प्रेफर किया। मतलब कि आपने पहले एनवायरनमेंट चेक किया जाने से पहले कि मैं वहां पर कंफर्टेबल हूँ या नहीं, और ये मेरे ख्याल से करना भी चाहिए। आप 5 साल वहां पर एक तरह से अपनी लाइफ, अपना पूरा टाइम वहां पर देने जा रहे, अगर इन्वायरमेंट ही नहीं अगर अच्छा लगा तो शायद कोई वहां पर जाने का फायदा नहीं होगा, ना। तो ओडिशा में इन्वायरमेंट आपको अच्छा लगा? यस, अभी तो मेरे को 1 ईयर हो गया है, तो मेरे को सब वहां पे सही लग रहा है अभी तक। ओके, अभी तक सब सही चल रहा है। यस, ओके। और आस्था जी, एक बात मुझे और बताएं, आपने तैयारी की कितना टाइम पीरियड तैयारी की? मेरे ख्याल से 3 to 5 months तैयारी की। यस सर, लाइक मैंने तैयारी घर में भी खुद से देखना थोड़ा शुरू कर दिया था क्लैट का सिलेबस क्या है, लेकिन उसके बाद आफ्टर मैंने पहले 12th के बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस कर दिया, देन आई डिसाइडेड कि मेरे को कोचिंग के लिए जाना चाहिए। फिर मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया, सो अबाउट 3 months मैंने कोचिंग ली और टाइम बहुत कम था क्लैट आने वाला था, तो मैंने वही फोकस किया जो आपने बताया, जैसे बताते गए करंट अफेयर्स, न्यूज पेपर और जो आप नोट्स देते थे, और मॉक टेस्ट आते ही देना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, मतलब आपको मॉक टेस्ट का बेनिफिट हुआ? यस, मॉक टेस्ट का बहुत बेनिफिट रहा। अगर मॉक टेस्ट ना करते तो क्लैट क्रैक हो जाता? सर, मुझे नहीं लगता कि शायद मैं कर पाती। ओके, मॉक टेस्ट का मतलब काफी रोल रहा। यस, उससे मुझे एक तरह का फायदा हो गया कि लाइक मेरे को पता चल गया एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से मुझे अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन मुझे पहले जाना है, ठीक है। और आस्था जी, न्यूज़पेपर, जैसे मैं काफी बार कहता था कि न्यूज़पेपर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का बेनिफिट होता है या नहीं? सर, बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होते हैं लाइक द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीजें आर्टिकल्स उनमें से पूछे जाते हैं। ओके, काफी आर्टिकल्स उसमें से आते हैं। और उसमें रीडिंग स्किल्स, आपकी स्पीड मैनेजमेंट न्यूज़पेपर से अच्छी हुई या नहीं? यस सर, स्पीड मैनेजमेंट, लाइक मैं बहुत टाइम लगाती थी कई बार पढ़ने में, लेकिन जब मैंने कंटिन्यूस न्यूज़पेपर पढ़ना किया, स्टार्ट किया, तो उससे मेरी डेली रीडिंग इम्प्रूव होती गई, टाइम भी काफी अच्छा चलता रहा मेरा, जिससे मैं इम्प्रूव, मतलब कि न्यूज़पेपर पढ़ने का काफी बेनिफिट होता। यस सर, काफी बेनिफिट होता। ओके, मतलब न्यूज़पेपर प्लस मॉक टेस्ट, दोनों चीजें अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप क्लैट का एग्जाम क्रैक कर सकते। यस सर, डेफिनेटली। मतलब कि आता जी, आपसे ना 2-3 क्वेश्चन और पुट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी एक वीकनेस थी। वीकनेस क्या थी? आपने पहले दिन आके मुझे बोल दिया था कि सर मेरा मैथ काफी वीक है, तो मैथ मैं नहीं करूंगी। तो आपने मैथ को कैसे रखा और कैसे किया, मतलब क्या आपने कैसे हैंडल किया मैथ? एक्चुअली सर, मैंने 10th के बाद मैथ छोड़ने का डिसाइड कर लिया था, कि वही था कि मैं मैथ ज्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही थी, वो रीजन था। फिर जब मैं आपको आया, आपने बताया, तो आपने मेरे को कहा कि कि हम ट्राई करेंगे जितना होगा। फिर मैंने वही चीज की, जो चीज मैं अच्छे से कर पाती थी उस पे फोकस किया, और मैंने सोच लिया था कि जितना मेरे से होगा मैं उतना करूंगी, जो नहीं होगा वो मैं छोड़ दूं। ओके, मतलब आपने 15 नंबर का मैथ आता है, 15 में से आपने ये सोचा कि अगर 7-8 मार्क्स का भी अगर अच्छे से कर पाती हूं तो वो ही काफी है, अगर बाकी नहीं होता तो कोई इश्यू नहीं है, अपने बाकी में ज्यादा फोकस। ये भी सबसे अच्छी बात है। अगर आप देखते हो कि लास्ट ईयर की मैं बात करूं, मैथ काफी डिफिकल्ट आया था, 2023 की बात करूं तो मैथ काफी ज्यादा डिफिकल्ट आया था। तो उस टाइम जिन बच्चों ने मैथ को कुछ टॉपिक्स अच्छे से कर रखे थे, तो उनकी स्पीड मैनेजमेंट भी अच्छी थी, प्लस उनका मैथ भी काफी इजिली हो गया। मतलब कि काफी बच्चे क्या करते हैं, मैथ वो करते रहते हैं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे करते रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में फोकस नहीं कर पाते। yes. तो मेरे ख्याल से सभी सब्जेक्ट्स भी जरूरी हैं, सिर्फ मैथ जरूरी नहीं है। yes. और आस्था जी, कोई आप अपना मूल मंत्र बताएं कि बच्चा क्लैट का एग्जाम क्रैक कर दे, और बच्चा आपके पास एनएलयू ओडिशा, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, जोधपुर, ऐसे लॉ स्कूल में जाए। yes. ऐसा क्या बच्चा करे? सर, सबसे पहले तो एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ो,
लाइक अबाउट वन ईयर के करंट अफेयर्स को पूरे पक्के करते रहे और बाकी जो नोट्स वो फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करते रहे और एक अपना मतलब रेडी करें कि इस सेक्शन में मेरा ज्यादा अच्छा है तो मैं इसको जल्दी अटेम्प्ट कर सकता हूँ और टाइम लिमिट थोड़ा अपना इंक्रीज करें जिससे वो एग्जाम में उन्हें दिक्कत ना आए। लाइक एग्जाम में ये दिक्कत आती है कि बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं और अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब प्रेशर सबसे ज्यादा रहता है पेपर के टाइम। यस काफी बच्चे हैं जिनका मार्क्स आ सकते हैं काफी अच्छे फिर भी वो प्रेशर की वजह से नहीं कर पाते। तो ये भी सबसे ज्यादा इश्यू रहता है राइट। तो मतलब कि यही मूल मंत्र है कि न्यूज़पेपर प्लस मॉक टेस्ट, क्योंकि इंग्लिश लीगल क्रिटिकल दोनों में कहीं ना कहीं आपको प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड है। पर बेसिक के लिए तो आपको चलो पढ़ना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि टोन्स क्या होती हैं इंग्लिश में, यानी क्रिएटिव डिवाइसेस क्या होती हैं, वो सब आपको आनी चाहिए। या लीगल में बिल्कुल बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आप लॉ को अटेम्प्ट कर सकते है ना, तो वो सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। पर प्रैक्टिस ही आपका एक मूल मंत्र है कि क्लैट का एग्जाम क्रैक करवा। तो आस्था जी मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आपका क्लैट का एग्जाम क्रैक हुआ और अब हमारे पास आए स्पेशल ओडिशा से। ये वैसे आप हिमाचल से हैं है ना? Yes. तो ओडिशा से ये पहले चंडीगढ़ आए सिर्फ इंटरव्यू देने। Yes. इंटरव्यू के बाद आप ये जा रहे हैं अपने घर। Yes. है ना? तो आस्था जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, ऐसी मेहनत करते रहे। और एक लास्ट क्वेश्चन कि आप 5 साल के बाद या 4 साल के बाद लॉ के बाद क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते? सर एक्चुअली मेनली तो जो मेरे ग्रैंडफादर का सपना है जुडिशरी वो okay. मुझे पूरा करना है। लाइक okay. अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, नवंबर में उनकी डेथ हो गई है। तो बस मेरा वही है, पहले तो मुझे था कि शायद मैं कॉर्पोरेट में जाऊं, लेकिन मैंने ये डिसीजन जब आप मेरे पास आए थे तब आपने यही कहा था कि कंपनीज में सर मुझे टारगेट करना है, क्योंकि आपका पीयू का भी एग्जाम क्रैक था, पंजाब यूनिवर्सिटी का भी क्रैक था, ये भी क्रैक था, पर आपने क्लैट को इसलिए चूज किया था कि मुझे कंपनी में जाना। तो आस्था जी काफी बच्चों के ना डाउट होता है और काफी एनालिस्ट के बच्चे यही कहते हैं कि सर मेनली 5 साल की लॉ में एनालिस्ट जितने भी हैं वो कंपनीज के लिए काफी फोकस करवाते हैं। तो काफी बच्चों को जुडिशरी का मतलब लॉ करते करते टाइम इतना नहीं मिल पाता, क्या ये बात सच है? सर अगर देखा जाए तो 50% सच है। लाइक जो बच्चे कंपनीज में जाना चाहते हैं उन पे फोकस किया जाता है। लाइक वो आप पे प्रेशर नहीं देते, वो आप पे छोड़ देते कि आपको क्या करना है। मतलब अगर आपको जैसे डिपार्टमेंट होते हैं तो 3-4 बजे के बाद आप जुडिशरी के लिए टाइम मिल जाता है। हम अगर लाइक सब्जेक्ट तो वही है, बी एल एड समय अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, तो अगर हम चाहें तो उन 5 साल में हम साथ साथ में अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, मतलब कि सारा का सारा बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बच्चे ने करना कैसे। अगर बच्चा करना ही नहीं चाहता कुछ तो वो बहाने मारेगा। यस है ना, ये चीज है। पर आस्था जी सारे ज्यादातर बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटी से ही ज्यादा जज बनते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ डीयू के जज ज्यादा बनते हैं, पीयू के जज ज्यादा बनते हैं, या फिर और भी बीएचयू होगी, मतलब ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वहां से जज ज्यादा निकलते हैं। एनएलयू का जैसे हरियाणा पंजाब का भी पेपर हुए थे जुडिशरी के, तो दो बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से एक या दो मुश्किल से एनएलयू का बच्चा था जो जज बना। इसका क्या रीजन है? सर इसका रीजन मुझे यही लगता है कि शायद बहुत सारे बच्चे एनएलयू में यही फोकस करते हैं कि हम कॉर्पोरेट की तरफ, क्योंकि आपका एक सराउंडिंग ऐसी हो जाती है, सराउंडिंग ऐसी हो जाती है और माइंडसेट बच्चों का वही बन जाता है कि कॉर्पोरेट। मेनली पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों का यही माइंडसेट रहता है कि हमने जुडिशरी में ही जाना है, तो शुरू से उनका यही रहता है। अच्छा, मेन रीजन ये हो सकता है। चलो थैंक यू आस्था जी, थैंक यू सो मच, ठीक है, हम मिलते रहेंगे, आप आते रहना हमारे पास, हमारे बच्चों को मोटिवेट करते। थैंक यू सो मच, थैंक यू।